मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया वन इंडिया यूट्यूब चैनल है। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह आज घरेलू दर्शकों के सामने अपने पहले WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब के लिए वेल्स में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के कैरी हॉप के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। हरियाणवी मुक्केबाज ने पेशेवर मुक्केबाजी में अभी तक अपने सभी 6 बाउट में प्रतिद्वंदियों को पंच मार नॉकआउट किया है और अभी तक अजय हैं। होप के खिलाफ उनका मुकाबला काफी कड़ा होगा। होप पूर्व WBC यूरोपियन चैंपियन है। उनका जीत हार का रिकॉर्ड 23-7 का रहा है, यानी कि 23 मुकाबले जीते हैं और 7 में हार मिली है। अभी तक विजेंद्र का प्रतिद्वंदी उनकी बराबरी नहीं कर सका है, लेकिन होप काफी कड़े प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं। होप का वजन 74 किलो 900 ग्राम है। अगर विजेंद्र सिंह जीत दर्ज करते हैं तो वह WBO विश्व रैंकिंग में शीर्ष 15 में पहुंच जाएंगे। विजेंद्र ने कहा है कि इस जीत में मेरे लिए विश्व खिताबी बाउट के दरवाजे खुल जाएंगे, इसलिए ये मेरे लिए काफी अहम मुकाबला है। आपको बता दूं कि विजेंद्र सिंह का वजन 75.700 ग्राम है। 7 और बाउट भी, इस बाउट के अलावा 7 अन्य अंडरकार्ड बाउट भी होनी है। इसमें भारतीय मुक्केबाज परिषद के मुक्केबाजों और थाईलैंड के 2 आमंत्रित मुक्केबाजों की बाउट शामिल है। इन 7 में से 1 महिलाओं की प्रदर्शनी बाउट भी होगी, जिसमें MC मैरी कॉम की अकादमी की मुक्केबाज भी शामिल होंगी। आपको बता दूं कि यहां पर कौन कौन से सितारे जुड़ने वाले हैं। त्यागराज स्टेडियम में इस मुकाबले को देखने के लिए महान खिलाड़ी, राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां एकत्रित होंगी। इनमें क्रिकेटर कपिल देव, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, मुक्केबाज मैरी कॉम और ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पहुंचेंगे। बॉलीवुड हस्तियों में इरफान खान, रणदीप हुड्डा, नेहा धूपिया, दलजीत दोसांझ, रणविजय सिंह, बादशाह, जिमी शेरगिल और रघु शामिल होंगे। अन्य जानी मानी हस्तियों में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजीव शुक्ला और बाबा रामदेव शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है विजेंद्र सिंह के लिए। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।